हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं PS4 Slim की अनबॉक्सिंग। ये है PS4 का 500GB मॉडल। इसके साथ हमें मिलती हैं 3 गेम्स, ड्राइव क्लब, हॉरिजन जीरो डॉन, रैचेट एंड क्लैंक। इसके अलावा हमें इसके साथ मिलता है 3 मंथ्स का प्लेशन प्लस का मेंबरशिप कार्ड। तो बॉक्स को ओपन करने से पहले इसके पीछे देखते हैं। बॉक्स के पीछे इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं। इसमें आप YouTube की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, Netflix इंस्टॉल कर सकते हैं, और भी इसकी कई ऐप्स हैं जो आप इसके PlayStation स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये PS4 PSVR रेडी है। तो बॉक्स को करते हैं ओपन। यह है PS4 का बॉक्स। अब आपको दिखाते हैं कि हमें इसमें क्या क्या मिलता है। हमने किया बॉक्स ओपन, तो हमें सबसे पहले मिलता है PS4 का DualShock 4 कंट्रोलर, और उसके बाद हमें मिलती है पावर केबल, और मिलता है इसमें HDMI केबल, एक USB केबल चार्जिंग के लिए, और इसमें साथ में हमें मिलते हैं मोनो ईयरफोन। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप कोई भी अच्छे ईयरफोन्स लगा सकते हैं। और ये है प्रिंटेड मैनुअल। ये है इसका वारंटी कार्ड, इससे आपको मिलेगी 1 साल की वारंटी। तो अब निकालते हैं अपना PS4 कंसोल। तो ये है हमारा PS4 का स्लिम कंसोल। तो ये है हमारा PS4 Slim कंसोल। इसका जो डिजाइन है वो PS4 के स्टैंडर्ड मॉडल से काफी स्लिम है, और काफी अच्छा मॉडल है ये। इसमें काफी चेंजेस किए गए हैं इसके लुक में। ये है इसके पीछे की तरफ। तो अब हम इसका करते हैं सेटअप। सेटअप करने के लिए हमें 2 वायर्स लगानी होंगी, पावर केबल और HDMI केबल। और ये है इसका PlayStation प्लस का 3 मंथ्स का मेंबरशिप कार्ड। तो कर लिया है हमने ऑन, और अब हम इसका करेंगे छोटा सा सेटअप। तो सबसे पहले हमें कंट्रोलर को इसके साथ पेयर करने के लिए लगाना होगा USB केबल को। हमने यहाँ पे USB केबल को लगा लिया है, और अब हमें प्रेस करना होगा इसके PS बटन। अब लैंग्वेज सिलेक्ट इंग्लिश, नेक्स्ट। इंटरनेट कनेक्शन को भी हम कैंसिल करेंगे, और अब वो है टाइम जोन, ये है कोलकाता, नेक्स्ट। यहाँ पर जनरल एप्लीकेशन को भी हम करेंगे 2 आवर्स तक, नेक्स्ट। पावर सप्लाई टू USB 3 आवर्स, स्टेज कनेक्टर ऑन, नेक्स्ट, और एक्सेप्ट, स्टार्ट। यूजर 1। तो ये है PS4 की होम स्क्रीन। यहां पर
आपको PS4 के सभी ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये है PlayStation Store, आप यहाँ से गेम्स परचेज कर सकते हैं, डेमो डाउनलोड कर सकते हैं और भी बहुत कुछ है यहाँ पर आप जो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं। ये है प्ले रूम जो PS का जो कैमरा है उसके साथ प्ले होता है। और ऊपर देख लेते हैं, ऊपर भी आपको कुछ और सेटिंग मिलती हैं। ये है PlayStation Plus और सबसे एंड में है हमारी सेटिंग, इसको हमने किया एंटर। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें 500 GB में से कितनी स्पेस फ्री मिलती है। तो हमें मिलती है 408.5 GB फ्री स्पेस। और जो उसका सिस्टम है वो सिस्टम इंफॉर्मेशन, उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है 4.73। अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। अब आपको PS4 के कुछ और ऑप्शंस दिखाते हैं हम। अगर आप PS4 के कंट्रोलर के ऊपर जो PS बटन है उसको होल्ड करेंगे तो ये एक क्विक मेन्यू ओपन होता है जिसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, साउंड डिवाइसेस, ऑनलाइन फ्रेंड्स, पावर। तो अगर आप साउंड डिवाइसेस में जाएंगे तो वहाँ आपको कुछ सेटिंग मिलेंगी कंट्रोलर की। यहाँ पे जो है आपके ऊपर जो PlayStation कंट्रोलर के ऊपर स्पीकर है उसकी वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये है हेडफोन्स की वॉल्यूम कंट्रोल, अगर आप यहाँ पे कंट्रोलर पे हेडफोन्स लगाते हैं तो उसकी आपको वॉल्यूम कितनी रखनी है। थर्ड नंबर ऑप्शन है चैट ऑडियो, आप हेडफोन्स लगा कर चैट भी कर सकते हैं अगर आप हेडफोन्स पे साउंड लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है LED लाइट बार की ब्राइटनेस, इसको आप डिम कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं। अगर आपको डिम कर लेंगे या मीडियम करेंगे तो ये इस काफ़ी लो हो जाएगी और बैटरी आपकी थोड़ी ज़्यादा चलेगी कंट्रोलर की, तो अभी हम इसको ब्राइट ही रखेंगे। वायर को हम हटा देते हैं क्योंकि हमारा कंट्रोलर थोड़ा सा चार्ज है अभी। और एंड में है टर्न ऑफ डिवाइस, इसको करने से कंट्रोल DualShock आपका 4 कंट्रोलर है वो ऑफ हो जाएगा। तो और हमने एक और भी चीज कंट्रोलर में ऐड की है और वो है ये LED डीकल। तो अब हम आपको बताते हैं कि PS4 को टर्न ऑफ कैसे करना है। PS4 पावर बटन से टर्न ऑफ नहीं होगा, उसके लिए आपको आपको जो कंट्रोलर है PlayStation 4 का उसके ऊपर जो PS बटन है उसको होल्ड करना होगा और वहाँ पे ऑप्शन है पावर, इसमें आपको जाना होगा, उसके बाद टर्न ऑफ PS4। तो ये थी PS4 की अनबॉक्सिंग और इसका एक क्विक सेटअप। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसको आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।